तो मैं यूजुअली 4 बजे उठ जाता हूँ. सो आई विल गोना टेल यू कि हाउ आई वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग. ऑल दो अभी 9:45 बज रहे हैं एंड यू नो इट्स इट्स क्वाइट लेट. इसके पहले मैं सो जाता हूँ. आई अप्रोक्सीमेटली 9:30 तक मैं सो जाता हूँ एंड ड्यू टू दिस रिकॉर्डिंग थिंग एंड आई थॉट कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही लेते हैं. सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सुबह उठने के लिए प्राइमरी. एक द रीज़न टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कम से कम आपका एक रूटीन होना चाहिए जैसे मेरा एक है कि कल सुबह उठ के मुझे पॉलिटिक पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, द वर्ल्ड हिस्ट्री जो मेरा ऑप्शनल है उसका नोट बनाना पड़ेगा और एथिक्स के नोट बनाने हैं तो वो मुझे करना है. द सेकेंड थिंग यू नीड इज अ चेयर. वाई ये चेयर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ हेयर आई यूजली स्लीप. सो दिस इज माई बेड. यहाँ पे मैं सोता हूँ एंड इन फ्रंट ऑफ दैट यू नीड अ चेयर एंड हेयर यू प्लेस द मोबाइल लाइक दिस. और सुबह का 4 बजे का अलार्म यहाँ पे होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे सुबह उठ के जितनी जल्दी हो सके कान से ये अलार्म बंद करने के लिए आपको नीचे उतर उतर के यहाँ तक आना पड़ेगा. यहाँ से थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि मेरा भी कल लेट ना हो जाए. तो वहाँ से आपको घूम के यहाँ तक आना पड़ेगा बंद करने के लिए. और जब आप बंद कर लोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरी वन गाइज. सो टुडे इज 16th. अभी बजे हैं 4:35. लोग बोलते हैं कि सुबह उठने का मज़ा नहीं है, तो मैं आपको मज़ा दिखाता हूँ आज. लेट्स हैव अ लुक. दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा. जब आप जाग रहे हो तो पूरी दुनिया सो रही है. वो वाला जो है वो स्ट्रीट लाइट है. ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और कुछ नहीं. वो जब आपको ये ऐसा फीलिंग आती है ना कि पूरी दुनिया सो रही है इस टाइम और तुम यूजुअली जाग रहे हो, शुरू कर रहे हो अपना दिन, इट फील्स लाइक अ हेड स्टार्ट एंड यू हैव डन रियली ग्रेट फॉर योर सेल्फ. अच्छा लगता है सुबह उठ के. चलो तो अभी बैठते हैं पढ़ने.
फिलहाल हमारा अभी लक्ष्मीकांत का ट्राइब्यूनल तक चल रहा है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन अभी 5 पेजेस है और अभी टाइम है यहाँ पे 7:30 बजे। कम से कम 30 मिनट के अंदर ये ख़त्म करना है, मतलब आज का यही टारगेट है कि लक्ष्मीकांत कम से कम ख़त्म करना है, और उसके बाद तो अलग अलग हैं उनके चोचले, जीएसए पर 2 का तो अलग चोचले हैं, तो कम से कम इतना तक आज लक्ष्मीकांत तक ख़त्म करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। सो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी कि 30 मिनट के अंदर यू हैव टू कम्प्लीट, आई थिंक कितना पेजेस होंगे, ऑल्दो लास्ट वाला मैंने मेरा पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। इट शुडंट टेक टाइम, बट इफ इट टेक्स टाइम देन आई एम टाटा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी शुरुआत करते हैं, 30 मिनट के अंदर ये ख़त्म करना है, एंड ऑल थिंग्स आर गोइंग हैपजेडली। ओके लेट्स डू इट। बहुत मुश्किलों के बाद कम से कम आई थिंक 5 मिनट बचे हुए हैं। आई हैव कम्प्लीटेड द पॉलिटी सेक्शन, ये लास्ट में फॉरेन पॉलिसी ख़त्म हो गया, एंड उसके बाद भी अब और एक जो नया प्रॉब्लम है कि मेरे जो नोट्स हैं अभी 5th एडिशन का नोट्स है, एंड इट्स नाउ ऑन 6th एडिशन। सो सम चैप्टर्स आर एडेड, सम चैप्टर्स आर रिड्यूस्ड, और जो नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं जैसे जीएसटी काउंसिल वो वगैरह ये सब नहीं है, तो वो ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक सो, आई थिंक आई नीड टू ऐड अपॉन दिस। सो अभी 8 बजने जा रहे हैं, एंड इट्स टाइम फॉर न्यूज़पेपर। हिंदू पढ़ना है वैसे, और ये सब यही सब होता है जब आप पढ़ते हो। क्या होता है, कहाँ से मैंने आज किया, यहाँ से नहीं किया, हाँ यहाँ से किया, यहाँ से आज यहाँ से हुआ, यहाँ तक, यहाँ तक। दीज आर द रफ शीट्स विच आई यूजुअली यूज। डन। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा वो 6th एडिशन का नोट्स ऐड करने लग गया था, एंड आई कुडंट कंप्लीट इट, सो वो मुझे करना पड़ेगा। अभी बचे हैं 9:30, एंड माई मॉर्निंग शेड्यूल इज क्वाइट कंप्लीटेड। नाउ इट्स टाइम टू मार्क इट डाउन। रेड पेन से मार्क करूंगा। पॉलिटी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा कि मुझे पॉलिटी 6th एडिशन का नोट मेकिंग करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब जाना पड़ेगा नहाने, उसके बाद खाना है ब्रेकफास्ट, लेकिन उसके पहले यू नीड टू रैप अप। आज थोड़ा काम करते करते लेट हो गया, 11 बज गए हैं, एंड आई हैवन स्टार्टेड येट, जस्ट मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। आज बहुत लेट हो गया, 10 बजे ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में। आज यूजुअली मैं 10 बजे 10 10:15 तक ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है, आज मैं ब्रेकफास्ट करने ही गया 10:30 बजे। इलेक्ट्रिसिटी वॉज डाउन फॉर सम टाइम, सो द होल रूटीन वॉज खत्म। सो आई थिंक 10:15 11:15 से पढ़ने बैठूंगा, 12 के अंदर पॉलिटी खत्म हो जाना चाहिए, दैट्स द न्यू टारगेट। देखते हैं, अभी तक लैपटॉप का स्क्रीन अभी तक बंद किया, लेट्स सी। थोड़ा सा टहल के आते हैं वरना खत्म हो जाऊंगा, दिखेगा नहीं कुछ। अच्छा हुआ 12 बजे के अंदर ये मेरा पॉलिटी ख़त्म हो गया, मतलब नोट मेकिंग वाला 6th एडिशन ख़त्म हो गया। अब बैठ के पढ़ना है हिस्ट्री, लेकिन अभी थक गया हूँ तो अभी पबजी खेलने का टाइम है। 30 मिनट पबजी खेल के फिर बैठता हूँ, 30 मिनट्स रेस्ट टाइम।
marked a location. I'm hit! Help! Number one. It's now 4:35 और यहाँ पे से मैं यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाऊंगा. आई डोंट थिंक यहाँ से कितना अच्छे से दिखेगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. दिस इज द सनसेट. तो सनसेट हो गया है और अभी 5 बज गए हैं, लेकिन बहुत दुख की ये बात है कि अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा उतना खास कुछ हुआ नहीं. दैट मीन्स डेवलपमेंट्स कुछ खास है नहीं. देखिए अभी 9 बजने चला है, लेकिन अभी तक मेरा इसका नोट मेकिंग बस इतना ही हुआ है. एंड डिजिटल नोट मेकिंग इज इन प्रोग्रेस. कैसे कर पाऊँगा मुझे नहीं पता. और हाँ भाई, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ थोड़ा सा कमेंट वमेंट किया करो यार, नहीं तो फालतू में बोरिंग लगता है मेरा. दूसरों का यूट्यूब वीडियोस देखो यार, कितना कितना लोग कमेंट्स करते हैं. तुम लोग भी कमेंट्स किया करो यार, फालतू में मेरा पूरा कमेंट्स बॉक्स पूरा खाली खाली रहता है. तुम लोग भी किया करो, अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है. ओके, गुड बाय, गुड नाइट.